आपको याद है अभी हाल ही में उनका क्या एक बयान आया था जिसकी तरफ आपने भी तवज्जो दिलाई थी कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है ईवीएम्स के बारे में, याद है आपको? नहीं, मैं याद दिलाता हूँ। अभी हाल ही में राजा साहब ने ये बयान दिया कि कुछ सूरत हाल ऐसे भी हो सकती है कि पीपल्स पार्टी ईवीएम के इलेक्शन के अंदर इस्तेमाल में हम अग्री भी कर सकते हैं अगर हमें अश्योरेंस दी जाए कि इसको मिसयूज नहीं किया जाएगा, तो हम कंसिडर कर सकते हैं। ये बयान राजा साहब का आया था, इसके ऊपर लोगों ने कहा ये क्या चक्कर है, ये तो ना कर रहे थे। बिलावल ने क्या क्या के थक गया कि हम नहीं मानते नहीं मानते नहीं मानते, और आज राजा साहब जो है वो ये बात कह रहे हैं कि हाँ देखा जा सकता है, अगर आप हमें एस्टैब्लिशमेंट अश्योरेंस करती है कि मिसयूज नहीं होगा तो ईवीएम को देखा जा सकता है, क्यों नहीं इलेक्शन में हिस्सा लिया जा सकता है ईवीएम के जरिए। उसके बाद उनको बनाया जाता है इंचार्ज ऑफ दिस कैंपेन। तो मेरा ख्याल है जरदारी साहब और राजा साहब, ये पीपल्स पार्टी का ये फैसला हो गया है कि नून लीग के साथ तो दाल नहीं गलनी, वो जो बन रही गलने की कोशिश की जा रही है, हम अपने आप को आगे करते। तो पीपल्स पार्टी दिखाना चाह रही थी कि हम 5-6 हज़ार से 34 हज़ार तक जा सकते हैं, और ये देखें हमने करके दिखाया आपको। उनका ये कहना है कि अगली अगर जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब भी आपने फैसला किया इमरान खान के खिलाफ तो सबसे आगे हम होंगे, हमारे 50-55 सीटें हैं वहाँ, थोड़े से जहांगीर तरीन के लोग दे दें 30-40 वो हो गए, 100 से ज़्यादा हो गए, और बाकी हम थोड़ा बहुत आप कर दें, थोड़ा बहुत हम पीटीआई को तोड़ तोड़ के अगले 1.5 साल के लिए हम तैयार हैं आपके साथ तावन करने के लिए, आपको नून लीग की क्या ज़रूरत है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी हो सकता है और हुकूमत भी हम आपके साथ मिलके, जाहिर है आपको पीटीआई तोड़नी पड़ेगी, बाकी हम कर लेंगे, कुछ 100-100 हम कर लेते हैं, 70-80 आप कर लें, माला का खैर चला, नून लीग के साथ बात करने की क्या ज़रूरत है, बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बनाए 1.5 साल के लिए, या किसी और को हम आपको दे देते हैं, राजा ही दे देते हैं, राजा साहब दे देते हैं आप। तो अब बात यह है कि नून लीग ने इसको लाइटली लिया। YouTube पर गूगली टीवी देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में गूगली टीवी टाइप करें। गूगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।